अगर आप लोग भी खाने पीने का थोड़ा बहुत शौक रखते हैं तो 10 मिनट के लिए एक जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि ये वाली वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होने वाली है। देखिए, सबके शहर में कुछ ना कुछ चीज़ें फेमस होती हैं, तो वैसे ही हमारे शहर में भी हैं। तो आज के इस वीडियो में यही होने वाला है, टॉप 5 फेमस फूड्स ऑफ बिदुना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कृपया खाली पेट इस वीडियो को ना देखें, मन चलने पर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ बालाजी छोले भटूरे पर। तो विशाल ने तो अभी ट्राई कर लिया, आपको बता दिया कैसा लगा, और अभी एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मी पानी बतासे पर। सो गाइस, ये आ चुकी है गुजिया, और अभी टेस्ट करते हैं। पहले निकल करेगा टेस्ट, उसके बाद विशाल करेगा। निकल, ये जो ये बैट लेते ही जो ये पेंट भींग जाता है। अभी गाइस ट्राई करते हैं और परमानेंट भीड़ भाड़ बनी रहती है, और 5 मिनट के लिए भी यहाँ पर समोसे नहीं गए। तो अभी मैं आ चुका हूँ बालाजी छोले भटूरे पर, और एक बार आप लोकेशन देख लीजिए, भगत सिंह चौराहा। ये भगत सिंह की मूर्ति के थोड़ा सा आगे आपको इनकी ठिलिया देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको भैया से मिलवाता हूँ। तो भैया, ठिलिया आप कब से लगा रहे हो यहाँ पर? हो गई 7 से 8 साल। 7-8 सालों से। और यहाँ पर छोले भटूरे के अलावा और क्या क्या मिलता है? नान रोटी है, मिक्सी रोटी है, मिठाई है, पुलाव है, छोले भटूरे हैं। अच्छा, तो इतने सारे आइटम मिलते हैं आपको। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर परमानेंट आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। और इनसे भी पूछता हूँ एक बार, अंकल जी कैसा टेस्ट है? बढ़िया, बिल्कुल। हम लोगों ने लगवाए छोले भटूरे, और विशाल कैसा टेस्ट है? मस्त है, एक नंबर। तो विशाल ने तो भी ट्राई कर लिया, आपको बता दिया कैसा लगा, और अभी एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। सब्जी दिखाओ एक बार विशाल ने, जो यहाँ की भाई सब्जी है तरी दिख रही है ये मेरी, इसका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। आ चुके हैं लक्ष्मी पानी बतासे पर, और एक बार आप लोकेशन देख लीजिए, फीडर रोड स्टेट बैंक के जस्ट सामने भैया की ठिलिया लगती है। और अभी भैया से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। भैया, ठिलिया आप कब से लगा रहे हो यहाँ पर? 10 साल। 10 साल हो चुके हैं, तो लोकेशन आपकी यही है तब से? हाँ। अच्छा, और गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भाई 4 तरीके के पानी का कल्चर था वो भाई अपने लक्ष्मी भैया ही लाए थे बिदुना में, जो कि अब तो काफ़ी सारे लोग लगाने लगे हैं। खैर, अभी टेस्ट कराते हैं आपको, बताते हैं। खैर, आपको तो नहीं करा सकते, हम लोग करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे क्या है। ठीक है भैया, कौन कौन से तरीके की पानी अपने यहाँ? 5 तरीके। कौन कौन से? नंबर है, जंजीरा पानी होता है, जंजीरा। दूसरा होता है, खट्टा मीठा। तीसरा इनका पानी होता है, पुदीना पानी होता है, पुदीना। और 5वां नंबर का कैसा? अब ये काम करेंगे, अभी बता दे जाएंगे, और सब में से एक एक बता देना। ठीक है, ये कौन सा पानी है? जंजीरा पानी। एक बार इसको टेस्ट करते हैं। पानी
ये लहसुन का पानी है, ये मेरा काफ़ी फेवरेट है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आता हूँ। टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया है, मैं बताता हूँ भाई टेस्ट, टेस्ट का कोई भाई जवाब नहीं है। और पांच तरीके के पानी, जो भी आपको जिस तरीके का पसंद उस तरीके का खाओ आप, और मजे लो। टाटा बाय बाय। सामने सेव पूड़ी, और अभी इसको भी टेस्ट करते हैं। आ गया असली मजा इसमें है, मुँह में रखते ही पूरा मुँह भर जाता है एकदम चटनी से, दही से, मजा आ जाता है बिल्कुल। सुबह जब सुबह से तीखा खाते खाते थक चुके हैं, तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई कुछ मीठा खाते हैं चल के। तो मीठा खाने के लिए अभी आपको हम लेकर आ चुके हैं भाई बिधुना की 40 साल पुरानी दुकान पर, जो कि है फेमस बाबा की गुजिया के नाम से, ठीक है। तो अभी हम लेकर आ चुके हैं आपको, और यहाँ पर बाबा बनाते हैं सिर्फ गुजिया और समोसे, और उसी के लिए ये 40 साल से फेमस है बिधुना में, ठीक है। और ये गरम गरम गुजिया निकल रही है, तो अभी आपको टेस्ट कराते हैं गुजिया, और यहाँ की इस गुजिया की स्पेशलिटी बताते हैं अभी आपको। सो गाइस ये आ चुकी है गुजिया, और अभी टेस्ट करते हैं, पहले निकल करेगा टेस्ट, उसके बाद विशाल करेगा। निकल, ये इस फैसिलिटी की बात कर रहा था मैं, जो ये बैट लेते ही जो ये पैंट भीग जाता है, इस फैसिलिटी की बात कर रहा था। कैसी लगी निकल? बहुत टेस्टी है, एकदम डिलीशियस। तुम्हें मिसाल ऊपर हट गया। हां अभी हम लोगों ने दोबारा लिए हैं, एक बार में मन नहीं भरा के लिए दोबारा लिए हैं गुजिया, और दोबारा ट्राई करते हैं। एक बार तो विशाल ने कैसे तैसे करके पहुंचा है पानी से, दोबारा वही ले लिए। विशाल फिर से एक बार हो जाए, स्टार्ट ये करेगा अगली बार। मैंने पिछली बार से नहीं करी थी स्टार्ट, अगली बार तुम करो। चलो कोई बात नहीं, ऐसी क्या, चलो हम लोग भाई हैं देखो एक्सपीरियंस होल्डर पे ढूंढना कहीं, ये आए हैं दिल्ली से, अगली बार मेरे को भी एक्सपीरियंस हो गया है, नहीं तो अगली बार लीक कर गई होती। अभी गाइस ट्राई करते हैं और तो भी बाबा जी से जानते हैं कि भाई दुकान कितने साल पुरानी है। तो बाबा जी दुकान ये कितने साल पुरानी है आपकी? 40 साल पुरानी। और गुजिया के अलावा और क्या क्या आप रखते हैं? गुजिया, समोसा, पेड़ा। और स्पेशलिटी जो है बाबा की वो है भाई गुजिया में, जो कि लोग जानते हैं यहाँ पे बिधुना में। तो अगर आप लोग बिधुना से हैं तो आपको लोकेशन बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। और अगर आप लोग कहीं बाहर से वीडियो देख रहे हो, और अगर आप लोग कभी बिधुना आते हो और मन होता है गुजिया खाने का, तो आपको लोकेशन बता दे रहा हूँ अगर आपको नहीं पता। ये सामने लोहा मंडी वाली रोड है, और आप आते हैं और आपको ये धर्मशाला वाली गली मिलती है, इसके जस्ट बगल में बाबा गुजिया की दुकान है, तो आप लोग यहाँ पर आके खा सकते हो। तो गैस अभी ले चलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, और आप लोग भाई पीछे थोड़ा सा गैस कर पा रहे हो कि अभी आप लोगों को हम कहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो आप बता दीजिए कमेंट करके कहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, अभी गैस हम लोग आ चुके हैं समोसे खिलाने आपको। आप लोगों को लेकर आ चुके हैं कल्लू समोसे वाले के पास, तो ये बैठे हैं भाई साहब कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? लगभग 30 साल पुरानी दुकान। और लोकेशन आपकी तब से यही है? हाँ जी, दुर्गा मंदिर के पीछे वाली गली में। और समोसे के अलावा और क्या क्या रखते हो आप? समोसा गुजिया जी, दो आइटम। तो ये दो आइटम है जो समोसा गुजिया, इसकी वजह से भाई 20 साल पहले से भाई फेमस है काफी ज्यादा। और अभी टेस्ट भी करते हैं, और भीड़ भाड़ आपको एक बार दिखाते हैं यहाँ पर सामने कैसी है। ये देख लो भाई, यहाँ पर परमानेंट भीड़ भाड़ बनी रहती है, और 5 मिनट के लिए भी यहाँ पर समोसे नहीं टिकते हैं, वहाँ से कढ़ाई से समोसे आते हैं, और भाई 2 मिनट में सब खत्म। और ये भाई साहब मुँह छुपा रहे हैं पता नहीं क्यों। ये देखो, ये पता नहीं ये ऐसे बैठे हैं भाई मुँह छुपा के, और ये बढ़कर सारे काम कर रहे हैं। और भीड़ आप देख लीजिए एक बार भाई, लोकेशन आप लोग देख लो एक बार, दुर्गा मंदिर के जस्ट आगे वाली गली में, ये दुर्गा मंदिर सामने। अभी आपको इनसे तो मिलवा दिया, अभी आपको कस्टमर से भी आपको रिव्यू दिला दें थोड़ा। अभी आप क्या कह रहे हो, समोसे?
भैया आप रूरूगंज से खाने आए हो? बिल्कुल, ये भाई क्रेज है कल्लू भैया का। अपने रूरूगंज से भाई आए हैं खाने समोसा, कैसा लगा स्वाद? अरे एकदम मस्त। कब से यहाँ पर आ रहे हो? करीब करीब मेरे को 2 साल हो गए। दो साल से आ रहे हो भाई, देख लो। और ये वेटिंग लिस्ट में अभी दोनों लोग। अभी कहाँ पर आ चुके हैं? जंतरी बर्गर वाले के यहाँ पर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जंतरी के यहाँ पर, और यहाँ पर आपको टेस्ट कराएंगे बर्गर और टिक्की। जी भाई यहाँ पर टिकिया लगाते हैं, इनसे पूछेंगे भाई, काफ़ी साल हो गई इनको लगाते लगाते दूना में, और अभी चलेंगे और आपको टेस्ट कराएंगे इनके बर्गर और टिक्की, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलते हैं फटाफट से। और लोकेशन एक बार आपको दिखा देता हूँ। और गाइस आपको लोकेशन पड़ेगी भगत सिंह चौराहे पे, आप जैसे ही बर्तन रोड की तरफ बढ़ोगे तुरंत आपको ये भैया की ठिलिया मिल जाएगी, देखने को जंतरी नमकीन स्टॉल के नाम से। और अभी यहाँ पर खाते हैं बर्गर। भैया ठिलिया आपकी यहाँ कितने सालों से लग रही है? 2-3 साल से। और पहले कोई दूसरी लोकेशन पर रखी थी? सामने, मतलब इसी रोड पर। इसी रोड पर यहाँ पर सामने लगाते थे भैया। ओवरऑल कितने, मतलब टोटल कितने दिन हो गए लगाते हुए यहाँ पर बिदुना में? 10 साल। मिसाल सबसे पहले क्या लगवाया जाए? बर्गर जिसके लिए फेमस है। भैया बर्गर लगा दो, मेरे लिए फेमस है सबसे पहले। तो गाइस आ चुका है बर्गर, अभी भाई टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। खाया नहीं होगा। करो टेस्ट। मैं नहीं कर पाऊंगा यार, छोटा है।